हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। दोस्तों यहाँ पे देखो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। आफ्टर वर्किंग हार्ड ही रेस्टेड डैश द शेड ऑफ अ ट्री, कि काफ़ी मेहनत करने के बाद में वो बेसिकली आपके जो है वो पेड़ की शेड के अंदर रेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो कई बार जो है बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं फिलर में, उसमें शेड की जगह शेडो आ जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ध्यान रखो, है ना, शेडो जो होती है वो बेसिकली आपके आपके परछाई होती है ना, स्वयं की होती है ना, एक पर्सन की खुद की जो परछाई होती है वो बेसिकली शेडो कहलाती है, और शेड आपके छाया कहलाती है। ठीक है, सो अंतर है दोनों के बीच में, परछाई और छाया, है ना, छाया और परछाया वाला अंतर होता है शेड और शेडो के अंदर, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, है ना, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे शेडो नहीं आएगा, शेड ही आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे प्रपोजिशन का प्रयोग देखो बच्चों, है ना। अब इसे रटो मत कि यहाँ पे ये प्रपोजिशन आएगा, ये प्रपोजिशन आएगा। बहुत सारे बच्चे अंडर आंसर करेंगे, अंडर गलत है, इनटू भी नहीं आएगा, बिलो भी नहीं आएगा। ठीक है, एक्चुअली बच्चों देखो मेरी बात सुनो, बिलो इसलिए नहीं आएगा, बिलो बेसिकली आपके किसको रिप्रेजेंट, अंडर और बिलो के बीच में डिफरेंस होता है ना। बिलो आपके लेवल को दिखाता है सब आपके, है ना, बेसिकली लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजरमेंट ऑन अ लेवल और स्केल। किसी स्केल पे या लेवल पे जब हम मेजर करते हैं किसी चीज को, तो हम बिलो का प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, और बेसिकली अंडर जो है वो बेसिकली कब आता है, अंडर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिस वजह से हम अंडर का प्रयोग नहीं करेंगे ना। अब वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है वो हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो जी, है ना, देखो यहाँ पे, है ना, देखो बच्चों बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे समझना कि आपके एक प्रपोजिशन होता है इन, जिसका प्रयोग हम कब करते हैं, मीडियम में करते हैं ना, उसका प्रयोग हम मीडियम या माध्यम को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं सब आपके, है ना। जैसे कि मान लो आप किसी कमरे के अंदर मौजूद हो, राइट, तो एक कमरा जो है एक मीडियम है, माध्यम है ना, जिसके तुम चारों तरफ से, जिसमें तुम घिरे हुए हो ना, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से, आप इसके आवरण में हो, आप इसकी पूरी तरीके से आवरण में आ चुके हो ना। सो एक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, कोई भी बेसिकली जो है बेसिकली कैसी भी सिचुएशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कुछ भी हो, आप हमेशा इन प्रपोजिशन का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब ये मीडियम किसी भी चीज का हो सकता है सब आपके, है ना। जैसे कि आप मान लो किसी शाही में, पर्टिकुलर शाही में लिखना पसंद करते हो, ठीक है, आप इंक में लिखना पसंद करते हो, पेंसिल के थ्रू लिखना पसंद करते हो, तो वो भी एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है ना। सो बच्चों ध्यान रखो, यहाँ पे जो लॉजिक है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मीडियम का है, माध्यम का है ना। और छाया जो है बच्चों, जो छाया जो है बेसिकली वो भी बेसिकली आपके क्या होती है, एक मीडियम होती है। मान लो ये छाया है ना, ये आपके पेड़ है, राइट, ठीक है, ये मान लो आपके पेड़ है ना, ये पेड़ है ना, और इसकी छाया, ये छाया गिर रही है सब आपके, है ना। इस छाया के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है ना, तो बेसिकली इस छाया के आवरण में है वो, बेसिकली ये जो शेड जो है वो एक मीडियम है, और इस मीडियम का हिस्सा जो है वो बेसिकली आपके शेड है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे किसी चीज के नीचे बैठे होने के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो मीडियम का। अगर मैं यहाँ से शेड हटा दूं ना, तो मीडियम का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, फिर आपके बेसिकली पेड़ के नीचे बैठने का कॉन्टेक्स्ट है ना। देखो, पेड़ के नीचे बैठना और पेड़ की छाया में बैठना दो अलग अलग चीज है। पेड़ की जो छाया होती है बेसिकली, वो बेसिकली आपके होती क्या है, पेड़ की छाया जो होती है वो बेसिकली आपके एक मीडियम को रिप्रेजेंट करती है, एक आपके मीडियम को रिप्रेजेंट कर रही है, एक माध्यम को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके अंदर अगर आप मौजूद हो तो उसके लिए सही प्रपोजिशन आपके इन है, इन ही प्रपोजिशन का प्रयोग करोगे। इनके अलावा अगर किसी दूसरे प्रपोजिशन का प्रयोग करोगे तो सेंटेंस आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं बच्चों इसके ऊपर आप थोड़ा सा और रिसर्च करो, मीडियम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल और मुझे दो कि सर देखो यहां पे भी ये मीडियम है, इन आपके मीडियम के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडियम, है ना, किसके कॉन्टेक्स्ट में, मीडियम के कॉन्टेक्स्ट में, माध्यम के कॉन्टेक्स्ट में इनका प्रयोग होता है। माध्यम कौन सा है, मुझे ये रिप्रेजेंट करो कि ये माध्यम है, और उस माध्यम के अंदर किसी चीज के होने की वजह से हम बेसिकली उसको इन प्रपोजिशन के साथ में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई क्या? हाँ जी, बात समझ आई क्या? ठीक है, हाँ जी, ध्यान रखो बच्चों बेसिकली इन जो है वो आपके मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, और ये मीडियम आपको नजर कब आएगा, इस इनके ठीक बाद में नजर आता ना। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं जहां पे आपके इन प्रपोजिशन है जो मीडियम की वजह से आ रहा है, मीडियम की वजह से इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ऐसे सेंटेंसेस आप बनाओगे तो आप लोगों का बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो लैंग्वेज की वो डेवलप होगी, किस तरीके से भाषा के अंदर बेसिकली प्रयोग होते हैं प्रपोजिशन के, वो भी आपके डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये अलग आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, जिसे करना आप मत भूलना, है ना। सो गाइज, आई थिंक आज इतना ही लेते हैं, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्यूटीफुल है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो आज इस कॉन्सेप्ट को इतना ही लेते हैं, कल फिर से मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर बच्चों आप एसएससी का कोई
आप अगर प्लस कोर्स अनअकैडमी प्लस कोर्स लेना चाहते हैं, आपको अगर इसी तरीके से मेरा ग्रामर पढ़ाने का अंदाज पसंद है और आप अनअकैडमी प्लस कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरा प्लस कोर्स, मेरा जो है वो रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है हर्ष 11। इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप बेसिकली जो है अनअकैडमी प्लस कोर्स खरीद सकते हैं, बच्चों सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।